रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसद की लोकसभा समिति के सामने पेश हुए। केवी थॉमस की अध्यक्षता वाली समिति ने उर्जित पटेल से 10 सवालों के जवाब मांगे थे। उर्जित इन सवालों के जवाब लेकर समिति के सामने पेश हुए। समिति के सामने उर्जित पटेल ने दावा किया कि कैश की किल्लत जल्द दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सुधारने के लिए खास तौर पर काफी कोशिशें की जा रही हैं। पटेल ने पीएसी को बताया कि वित्तीय खुफिया यूनिट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनियमित डिपॉजिट्स की जांच कर रही हैं। पटेल ने भरोसा दिलाया कि शहरी इलाकों में नकदी संकट लगभग खत्म हो चुका है और अब ग्रामीण इलाकों में नकदी की समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। आरबीआई गवर्नर ने पीएसी को बताया कि नोटबंदी का असर थोड़े समय के लिए जीडीपी पर पड़ा है, पर आने वाले वक्त में इसके फायदे नजर आएंगे। उर्जित पटेल ने बताया कि बैंकों और सर्विस प्रदाताओं से बात कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी हफ्ते वित्त की स्थायी समिति के सामने सवाल जवाब के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उर्जित पटेल का बचाव किया था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि पटेल ने समिति को बताया था कि नोटबंदी के बाद से 9.2 लाख करोड़ के नए नोट सिस्टम में डाल दिए गए हैं। हालांकि पटेल समिति के कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए। वो ये भी नहीं बता पाए कि नोटबंदी के बाद कितना पैसा बैंकों में आया और हालात कब तक ठीक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।